अस्सलामुअलैकुम। आज हम दोबारा पहुंच गए बंस रोड। बंस रोड आने की वजह आपको पता है कि खाना खाना और सिर्फ खाना। तो बंस रोड पे हम मौजूद हैं प्लेटर हाउस पर। प्लेटर हाउस के नाम से आपको अंदाज़ा है कि प्लेटर हाउस में यानी कि प्लेटर में वो तमाम चीज़ें होंगी जो आप खाना चाहते हैं। और खाने में क्या क्या, बारबेक्यू के वो तमाम आइटम आपको एक प्लेटर में मिलेंगे। और उसमें क्या क्या होगा ये तमाम चीज़ें हम आपको अपने व्लॉग में बताएंगे। आए हमारे साथ। ये था वो शाकार, उसमें चावल भी नजर आएंगे या सिर्फ गोश्त ही गोश्त है? पूरा बारबेक्यू सेक्शन है और यहाँ पर देखे माशाल्लाह पोटियाँ टिक्के विक्के, अच्छा वहाँ पर हाफ टिक्के और यहाँ फुल होते हैं क्योंकि काम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही। देखिए और ये क्रीम की फरमाइश आई है भाई, क्रीम की फरमाइश है। ये देखिए भाई कहता है चरगा, तो ये लाहौरी चरगा है। हाँ भाई ये लाहौरी देखें, ये देखें तो भाई चरगे की ऑर्डर आते रहते हैं, चरगे का भी प्लेटर है इनके पास। ये देखिए माशाल्लाह, वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अभी कितना टाइम रह गया पकने में? दो तीन मिनट रह गए, मतलब तकरीबन कुक हो चुका है ये, मतलब दो से तीन मिनट में फ्राई हो जाएगा पूरा मजीद। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र दुआ, आप सुनाएं आप कैसे? ठीक है। अच्छा तो ये कब से है प्लेटर हाउस माशाल्लाह, और किस काम पर है ये प्लेटर हाउस? ये हमने अभी तकरीबन 7 महीने हुआ स्टार्ट किया, लेकिन हमारा हार्ट एंड रोल जो मेन रेस्टोरेंट है अजमेरी फूड के नाम से, ये तकरीबन 12 साल से बंस रोड पे लोकेट है। तो प्लेटर में क्या क्या मिले? क्योंकि गाजी में प्लेटर बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, आपके प्लेटर में क्या खास बात है? हमारे प्लेटर में ये है कि इसके अंदर आपको जो बारबेक्यू होगा वो हर चीज़ अलग टेस्ट की होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जैसा टेस्ट कराची में आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हम बारबेक्यू में पहले ही हार्ट एंड रोल जैसा आपको पता है पूरी कराची में ना कोई रोल दे सका आज तक, ना ही कोई बारबेक्यू दे सका। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है उसी बारबेक्यू को हमने और वेरिएशन करके उसके अंदर और चीज़ें ऐड करके उसको प्लेटर, यानी कि जो पाकिस्तान में आपको पता है मंदी के नाम से जो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हम जो पाकिस्तानी हैं खासतौर पर कराची वाले, वो हम लोग ठीका खाते हैं, तो इसलिए जो है हम लोगों ने जो है इसके अंदर एडिशन किया और अपनी रेसिपी के ऊपर इसको बनाया। हमारे पास तकरीबन प्लेटर के अंदर 10 से 15 किस्म के प्लेटर हैं। हमारे पास शनवारी प्लेटर है, बारबेक्यू प्लेटर है, चरगा प्लेटर है, फिर इसके बाद हमारे पास मखनी राइस प्लेटर है, और इसके अलावा जो है हमारे पास 2% के, 4% के, 6% के और 8% के प्लेटर हैं, और शनवारी के अंदर भी और हर प्लेटर के अंदर हमारे पास मौजूद है। फिर हमारे पास एक मिक्स ग्रेट प्लेटर भी है जो फैमिली प्लेटर है, 6 बंदों के लिए बहुत आता है, और उसकी प्राइस भी हमने बहुत मिनिमम रखी है, तकरीबन 2100 रुपये में हम उसको सर्व कर रहे हैं। नहीं बताइए कि आपकी जर्नी माशाल्लाह सुना हमने बहुत अच्छी है, क्या हुआ, कैसे शुरुआत की थी भाई? ये तो है कि बस ये जिंदगी का एक बहुत तलख हकीकतें हैं जो पीछे की है, लेकिन मेरे रब ने सर तलख मेरे, ये तो मोटिवेशनल है। पिछली जो हकीकतें हैं वो बड़ी तलख हैं। मैं कराची आया तकरीबन 99 में कराची आया मैट्रिक पास करने के बाद, तो मैंने यहीं पर आगे अपनी तालीम हासिल की, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं कराची बिल्कुल खाली हाथ आया था यहाँ, एक यानी कि समझे कि यहाँ के मैंने 16-17 दिन बिल्कुल भूख गुजारी, कुछ काम नहीं था मेरे पास, और मुझे पता भी नहीं था, मैं कभी घर से बाहर निकला भी नहीं था। तो एजुकेशन लाइफ जो होती है आपको पता है एक स्टूडेंट 10th क्लास का वो कैसा होगा, तो मेरी एज भी बहुत कम थी, तो उस एज में मैं यहाँ आया, यहाँ के मैंने काम किया होटल पे, वेटरी की, डिश वाशिंग से मैंने अपना काम स्टार्ट किया कराची के अंदर। तो उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने, मैं डिश वाशिंग से होके उसके बाद वेटरी में आया, वेटरी की, फिर मेरे रब ने मुझे 2005 में जो है एक रेस्टोरेंट दिया कैफे डी खान, नॉर्थ अलबाद ए ब्लॉक में लोकेटेड था, बहुत अल्लाह ताला ने उसमें भी मुझे बड़ी कामयाबी दी, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों को बनाना जानता हूँ, ये सारे खाने बनाना इनकी, इसके ऊपर मुझे अल्लाह के हुक्म से अबूर हासिल है, मेरी अपनी रेसिपीज़ हैं। तो 2005 में ही मेरे अम्मी अबू का इंतकाल हो गया जलजले के अंदर, तो मुझे वापस जाना पड़ा, सबको ख़त्म करना पड़ा। उसके बाद जो है 2007 से हम लोग ये बंस रोड पे आपके सामने बैठे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ऐसा क्या जादू किया आपने कि या क्या पढ़ के भूखते हैं कि 7 महीने के बाद रश हम देख रहे हैं मुस्तकिल? मेरा ये है चीज़ ये कि मैंने हर जो काम किया मैंने एक नीयत मेरी शुरू से थी कि मैंने मेहनत करनी है और रिस्क हलाल कमाना है। डिश वाशिंग से काम शुरू करने से मैं यहाँ तक जब पहुँचा तो मेरे रब ने आज मुझे इतनी इज्जत दी कि मैं इस बंस रोड फूड स्ट्रीट जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट है उनका प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मैं इसका सदर भी हूँ, ये भी मेरे लिए बड़ी आज़ादी की बात है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड इस वक्त कराची के अंदर हैं, तो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। और ये है कि मैंने क्या पढ़ के पूछा, मैं लोगों को इखलाक, हमारे जो सबसे पहला हमारा ये होता है कि हम इखलाक से पेश आएँ, खाना वो खिलाता हूँ कि खाना खिलाना मेरा शौक है, और मैं शौक में खाना खिलाता हूँ, रेसिपीज मेरी अपनी वो चीज़ खिलाता हूँ जो मुझे पसंद है। तो अल्लाह का शुक्र है जब हम जो चीज़ आप दिल से बनाएंगे, और ये खाना जो है मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया था कि ये एक इबादत है, किसी को रिज़्क देना ये मेरे रब का काम है, और अगर आपका रब किसी से ये काम ले तो समझे वो अपने नायब का आपसे काम ले रहा है, अगर आप इसको इबादत समझ के आप करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें तरक्की होगी। मैंने सिर्फ एक चीज़ की कि इसके अंदर बेईमानी नहीं की बस, और आज अल्लाह ताला ने आप देख लेंगे। लोकेशन क्या है? लोकेशन
मेन बंस रोड पे आप जब सदर की तरफ से आते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड पे हमारा आर्ट एंड रोल और प्लेटर हाउस पड़ते हैं। प्लेटर हाउस जो है आर्ट एंड रोल का ही एक डिपार्ट है खास। और उसके बाद जो है अगर आप फ्रेस्को की तरफ से आ रहे हैं तो बिल्कुल लास्ट में आप अनवर बटे के सामने राइट हैंड पे जो है ना हमारा ये टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग हमारी ये भी हमारी बहुत लंबी टाइमिंग है। हम लोग सुबह 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक होते हैं, सिर्फ 5 घंटे के लिए बंद करते हैं। लंच में भी हमारे अवेलेबल है, तमाम जितनी भी सारा मेन्यू मिलता है आपको, सारा मेन्यू मिलता है, फास्ट फूड, चाइनीज, बारबेक्यू, पिज्ज़ा, कढ़ाई, कटाकट, सब्जी, चलगा, सब चीज़ें सुबह से लेकर शाम तक आपको मिलेंगे। स्पेशल ग्रिल प्लेटर के नाम से 1900 रुपये का ये 4% सर्विंग है। ये मंदी स्टाइल है लेकिन मंदी स्टाइल थोड़ा है, हमारी जो मसाले हैं वो मुख्तलिफ है। आप खाएंगे तो आपको अंदाजा होगा इंशाल्लाह। और ये आपकी मर्जी, आप दो बंदों का बनवाएं, छह बंदों का, दो का बनवाएं, चार का बनवाएं, छह का बनवाएं, आठ का बनवाएं, हमारे पास सारे तमाम आइटम इसमें। ये समझिए एक फैमिली पैकेज, ठीक है? अरे दो बंद तमाम आइटम आ जाएंगे, आप देख लें, आप देखते जाएं, आप देखते जाएंगे, डालता जाएगा, आप देखेंगे। ये 6% हमारा जो है ना वो बड़ा प्लेट, जो खूबसूरती है ना उसके भी, हाँ ये ये खूबसूरती गार्निश की वजह से खूबसूरती है। आगे जाओ बेटा, आप इसके बाद इसके ऊपर सलाद लगेगा। ये 2% प्लेटर है, ये 1450 रुपये का, हाँ ये इसके अंदर कम से कम 1.5 किलो से 1.25 किलो तक चिकन होगा। और उसके बाद आप इसके ऊपर सलाद लगेगा, इसके बाद लेमन लगेगा, इसके ऊपर गार्निश होगी पूरी तरीके से। हमारा शनवारी प्लेटर, ये वाला प्लेटर सबसे ज़्यादा चलता है, उसकी वजह ये है कि इसके अंदर हर चीज़ मौजूद है, यानी तमाम टेस्ट मौजूद है इसके अंदर, तो ये चीज़ है। इसके अलावा फिर हमारे पास ये चरगा प्लेटर है, इसमें हाफ चरगा होता है, ये 1550 रुपये का। ओके, ये हाफ चरगा और हाँ ठीक है, मतलब आपके ऊपर आप कौन सी वैरायटी? हाँ वो हमने इसमें कम से कम 15-20 किस्म के प्लेटर जो है ना अभी किए हैं, अभी हम और भी लेके आ रहे हैं इसके अंदर, और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह फिर आपको इंशाल्लाह वो होगा तो भी खाएंगे। हमने प्लेटर ऑर्डर किया था और जो है हांडी कढ़ाई ऑर्डर की थी, बट सर्विसेज थोड़ी सी स्लो हैं, बट ये खाने का फ्लेवर बहुत अच्छा है तो लोग ज़रूर चाहेंगे दोबारा आएँ। सेटअप बहुत अच्छा है इन लोगों का, सो आई प्रेफर के लोग आएँ, विज़िट करें, अच्छी जगह। क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बहुत बेहतर थे, प्रेफर किया जा सकता है, आया जा सकता है, और ये पॉकेट फ्रेंडली भी बहुत है तो फैमिली के साथ आप आ सकते हैं। कैसा लगा खाना आपको यहाँ का? बहुत अच्छा लगा, और इनका खाना भी बहुत मज़े का है और बहुत मज़े का था। सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा इधर की मलाई रोटी लगी। ये था वो शाकार आ गया है जिसका इंतजार, ये फुल भर गया भाई। उसमें चावल भी नजर आएंगे या सिर्फ गोश्त ही गोश्त है? ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है? अभी इसको ऑयल डालेंगे, देसी घी डालेगा, एक मिनट। हाँ भाई, ये देखें जी, ये देसी घी का तड़का इसको जो लग रहा है, और इसकी जो स्मॉग है, ये एक इसको ना, इसको इसने एक बिल्कुल जो है अलग ही रंग दे दिया है। ये क्या है ये? तो भाई हमारा फाइनली जो डिशेज आ गई हैं, ये सिंगल चरगा है, चरगा प्लेट, और ये डबल प्लेटर है चरगे की, और उसी के साथ जो है वो फैमिली प्लेटर भी मौजूद है, और ये तीनों किस्म के प्लेटर हैं। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है? अभी इसको ऑयल डालेंगे, देसी घी डालेगा, एक मिनट। हाँ भाई, तो ये देखें जी, ये देसी घी का तड़का इसको जो लग रहा है, और इसकी जो स्मॉग है, ये एक इसको ना, इसको इसने एक बिल्कुल जो है अलग ही रंग दे दिया है। ये क्या है? ये आशिक कबाब, आशिक कबाब, आशिक कबाब। तो भाई ये देखिए, ये आशिक कबाब, ये आशिक कबाब है। इसके ऊपर इन्होंने जो ऑयल का जो तड़का दिया देसी घी का, उसके बाद इसकी जो स्मॉग है, इसने एक अलग ही जो है इसका जो है माहौल बना दिया है। तो इसको भी ट्राई करते हैं, पहले हम जो इसको ट्राई करके देखते हैं, जो सिंगल चरगा जो इन्होंने सिंगल चरगा जो दिया है इसको। तो ये जो इसका जो एक अलग से मज़ा है ना इसका जो चरगे का, ये एक थोड़ा सा आपको इसमें जो है वो मंदी का भी टच आएगा, इसमें जो आपको जो है चुल्लू का भी टच आएगा, और इनका प्लेटर का एक अपना जो है वो अपनी इनकी जो है पूरी इनकी थीम है जिसपे ये प्लेटर लेकर आए हैं। और ये आशिक का बाय बाय है, और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं इनको हाथ लगाते हुए डर रहा हूँ, बहुत हाथ जला देगा। तो इसको भी ट्राई करते हैं, हाँ जबान जल सकती है, तो इसको ज़रा सा इसको आशिक कबाब कहते हैं, आशिक कबाब क्यों कहते हैं ये भी पूछ लेते हैं। जो ये खाता है इनका आशिक हो जाता है, सही कह रहे हैं बाबर, जो ये खाता है इसका आशिक हो जाता है, जूसी बहुत ज़्यादा। हमने इनके जो ये कबाब और जो प्लेटर खाया है जिसमें इनमें जो है वो मलाई बोटी भी, तमाम जूसी किस्म का है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा
आप जरूर आएँ क्योंकि अब यहाँ खाना खुल चुका है, सब खाने पर टूट पड़े हैं, ज़्यादा रिव्यू लंबा करना बेहतर नहीं है। तो इजाज़त चाहते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि W11 को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।